चिखलदरा येथे जीसीआय व परतवाडा मेळघाटच्या वतीने महाराष्ट्रभरातील व्यावसायिकांसाठी मालामाल कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. यात 42 व्यावसायिकांनी आपला सहभाग नोंदविला. दिनांक 29 व 30 रोजी व्यापाऱ्यांसाठी 2 दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात व्यापाऱ्यांना आपल्या व्यवसायात येणाऱ्या अडचणी, समस्या, जीएसटी, पैसा कसा गोळा करावा, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन कसे वाढवावे, ग्राहक आकर्षणाचे विषय यावेळी व्यापाऱ्यांना समजवण्यात आले. त्यासाठी लुधियाना, पंजाब येथून काही ट्रेनरही बोलावण्यात आले होते. या कार्यशाळेला येथील 42 यशस्वी व्यावसायिकांनी लाभ घेतला. मैं जैसे राजेश खंडेलवाल, मैं अमरावती से बिलोंग करता हूं और जोन 13 जो कि नासिक से लेकर मुंबई तक है, नागपुर से मुंबई तक है, उसका यह एक इवेंट है. यह बिज़नेस ट्रेनिंग सेमिनार है, इसका नाम है मालामाल. और मालामाल में स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेनर्स जो है उनके लिए हम ये वर्कशॉप लेते हैं. इस वर्कशॉप में कैसे वो अपने धंधे को बढ़ा सकता है, उस धंधे के प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे कर्मचारियों का और अच्छा वो ग्रोथ कर सकता है और कैसे कंपटीशन से वो जूझ सकता है, इन जैसे कई बातों पे हमारा 2 दिन में डिस्कशन हुआ. सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो करीब करीब चंद्रपुर से नासिक तक लगभग हर फ्रांस से यहाँ आए थे. लगभग 40 पार्टिसिपेंट्स थे और अचलपुर मेलघाट जैसे से आयोजित किया था. बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था यहाँ पर इस हर्षवर्धन इन में हमको मिली और सारे पार्टिसिपेंट ने 2 दिन में बहुत अच्छे से ये इवेंट को एंजॉय किया. हमारी शुभकामना है कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ इस इवेंट को एंजॉय किया, पार्टिसिपेट किया है, वो मालामाल निश्चित रूप से मालामाल बन के जाए और आगे ज़िंदगी में मालामाल. जो पार्टिसिपेंट है कितना उनको बेनिफिट होगा और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट होगा बिजनेस के लिए? जब यहाँ से कोई चीज़ सीख के जा रहे हैं तो हमारी कोशिश ये थी और हमारा जितना मॉड्यूल सब ऐसे थे कि हम वो लोग सोमवार से ही सब सारी चीज़ों को अपने बिजनेस में अमल में ला सकें. और जैसे ही वो इसको एक बार अमल में लाने की कोशिश करते हैं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होता है. जितना ज़्यादा वो इसमें अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट को होगा. आने वाला साल कैसा रहेगा? आने वाले साल के लिए आप आने वाले और जो बिजनेस मैन रहेंगे नेक्स्ट ईयर, उसके लिए नेक्स्ट क्या प्लानिंग है? आने वाला साल नहीं, पूरा भविष्य भी बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस मैन के लिए. स्पेशली बहुत अच्छा भविष्य है तो हमारी और हम सब की यही कोशिश रहना चाहिए कि जब भी आपको इस तरह की कोई वर्कशॉप करने का अवसर मिलता है आपने ज़रूर वर्कशॉप करनी चाहिए और अपने जो टूल्स हैं उनको शार्पन करना चाहिए, तभी जाके आप बिज़नेस में और ज़्यादा उत्तरोत्तर प्रगति कर सकते हैं. जीसी इंडिया के अंचल 13 के द्वारा मालामाल 2018 ये कार्यक्रम का आयोजन जीसी अचलपुर मेलघाट इस अंचल अध्याय ने की. चिखलदरा के सुहाने मौसम में पूरे अंचल से करीब 40 सदस्यों ने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया. जीसीआई एक ऐसी संस्था है जो युवाओं की संस्था है जिसमें 18 से लेकर के 40 साल के आयु के सदस्य इस संस्था के सदस्य रहते हैं. और जीसीआई का प्रथम उद्देश्य है कि हम लोग जो एरिया जीसीआई इंडिया ने कुछ फोकस एरियाज रखे हैं जिसमें बिजनेस भी एक फोकस एरिया है, हम लोग उस फोकस एरिया के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. मैं निश्चित रूप से आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बिज़नेस एरिया में जिस प्रकार से इस राष्ट्रीय स्तर पर और अंचल स्तर पर बिज़नेस के कार्यक्रम लिए जाते हैं, हमारी युवा शक्ति जो है, जो भविष्य है, राष्ट्र को निर्माण करने का जो कार्य करती है, उन युवा शक्ति को इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. बिज़नेस करना इतना आसान नहीं रह गया है, कई चैलेंजेस होते हैं, कई हर्डल्स होते हैं, लेकिन इन सारे चैलेंजेस को और हर्डल्स को किस तरीके से हम लोग पार कर सकते हैं और अपने बिजनेस में किस प्रकार से हम एक्सेल कर सकते हैं उसको जानकारी, उसकी जानकारी और उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रखा जा सके और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिजनेस में कैसे अपने आप को ग्रो करें, इन बातों को ध्यान में रख के ये पूरा का पूरा मॉड्यूल तैयार किया गया है. सर, महिला पार्टिसिपेंट्स की जो संख्या थी कम थी, अगले साल महिला पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहे, इसके लिए आपके कुछ कदम? देखिए, महिलाओं को जेसीआई एक ऐसी संस्था है जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है. क्योंकि ये चिखलदरा में किया गया था, थोड़ा रिमोट प्लेस थी और यहाँ पे आने में कन्विंस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इस वजह से भी शायद हो सकता है कि एक कारण होगा कि महिला पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया. लेकिन हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि अगले साल हम लोग जहाँ पे हमारी महिला साथी इन ऐसे प्रोग्रामों को पार्टिसिपेट कर सके, इस बात के लिए हम लोग इंश्योर करेंगे कि पूरी व्यवस्थाएं सही तरीके से की जा सके. ओवरऑल कैसा रहा 2 दिन का
देखिए ओवरऑल जो है मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि इसके रिजल्ट्स ही इनके जो आउटपुट है उसको दर्शाएंगे और 100% इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर रहे हैं वो अपने आप एक सर्टिफिकेट देंगे क्योंकि उनके जो बैलेंसेस है प्रॉफिट्स है वो बढ़ने वाले हैं, इस बात का हम लोग पूरा विश्वास दिलाते हैं क्योंकि जिस प्रकार से फैकल्टी टीम यहाँ पर कार्य करती है उनके ऊपर काफ़ी मंथन किया जाता है, हर एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स को पर्सनली काउंसलिंग की जाती है कि उनके बिजनेस के बारे में जानकारी ली जाती है और उनको पर्सनल वन टू वन काउंसलिंग की जाती है कि किस प्रकार से वो अपने बिजनेस के जो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है उन बातों को ध्यान में रख के अपने बिजनेस में कैसे प्रगति करें इस बात की ध्यान दी जाती है। बिजनेसमैन अराउंड इंडिया और अराउंड महाराष्ट्र आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए बिजनेसमैन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि GST आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हो रही है, बिजनेस को काफ़ी चैलेंजेस होने वाले हैं। लेकिन मैं बात बताना चाहूँगा कि हमेशा जब भी कोई चैलेंज आता है उसके पीछे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है, तो एज ए बिजनेसमैन हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर देखना चाहिए, ना कि उस चैलेंज के ऊपर में हम लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए हमेशा एक नियम है सृष्टि का कि ये परिवर्तन तो आना है, उस परिवर्तन के साथ में हम लोग को चलना ही पड़ेगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो नेचुरली कुछ ना कुछ असर तो हमको लगेगा, लेकिन हम सब इस बिजनेसमैन होने के नाते हमको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की हमें आदत होती है और इन चैलेंजेस को भी हम ओवरकम जरूर करके।